नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरियाणवी ट्रक करियर यूके में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आप यूके के अंदर ट्रक का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एग्जाम है और उनकी प्रिपरेशन कैसे करें। इन सब को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यूके ट्रक का फुल लाइसेंस लेने के लिए कुछ बेसिक स्टेप हैं। जैसे आपके पास यूके कार का प्रोविजन लाइसेंस हो, उसके बाद आपके पास यूके कार का फुल लाइसेंस हो, देन उसके बाद आप ट्रक का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यूके कार का प्रोविजन लाइसेंस, फुल लाइसेंस, इन सब को जानने के लिए आप मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोज देख लें और उनके रिगार्डिंग आपके जो कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको उनका जवाब मिल जाएगा। ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए आपके कुछ एग्जाम होते हैं, कुछ आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं और कुछ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो थ्योरी एग्जाम को बुक करने के लिए और उनकी प्रिपरेशन करने से पहले आपके पास चाहिए यूके ट्रक का प्रोविजन लाइसेंस। जैसे आपने कार का लाइसेंस अप्लाई करने से पहले कार का प्रोविजन लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी प्रकार ट्रक का प्रोविजन लाइसेंस की भी आपको जरूरत होती है। ट्रक का प्रोविजन लाइसेंस लेने के लिए आपके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि आपके पास कार का फुल लाइसेंस हो, उसके बाद आप D2 फॉर्म जो आप नज़दीक के किसी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, और उसके बाद आता है D4 मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको नज़दीक के किसी डॉक्टर से मिलता है। D4 मेडिकल एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए आप गूगल पर कोई नज़दीक का डॉक्टर सर्च करें, आप उसके पास अपॉइंटमेंट लेके उससे आप अपना मेडिकल एग्जाम करवा लें, जिसमें वो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी आईसाइट ये सब चेक कर लेता है और उसके बाद आपको मेडिकल पास सर्टिफिकेट दे देता है। आपको D2 फॉर्म, D4 फॉर्म और आप अपना फुल लाइसेंस ये सब DVLA को पोस्ट करना होता है और उसके बाद आपका 2 से 4 वीक के अंदर आपको आपका प्रोविजन लाइसेंस, ट्रक के लिए प्रोविजन लाइसेंस मिल जाता है। इस मेडिकल एग्जामिनेशन की फीस 60 से 80 पाउंड के बीच होती है, जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। ट्रक के लिए थ्योरी एग्जाम जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, दूसरा आपका हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट और तीसरा आपका CPC एग्जाम। मल्टीपल चॉइस एग्जाम जो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम होता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसके अंदर आपके 100 ट्रैफिक रूल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि ट्रक के हाइट, डायमेंशन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर आपको 85 out of 100 स्कोर करना होता है। इस एग्जाम का टाइम होता है 1 घंटा 45 मिनट और इस एग्जाम को बुक करने के चार्जेज होते हैं 26 pounds। थ्योरी एग्जाम में दूसरा पार्ट होता है आपका हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट। ये एग्जाम आपका सेम कार के हैजर्ड एग्जाम की तरह होता है। इसके अंदर 19 वीडियोज होती है, जिसमें आपको 100 में से 67 स्कोर करना होता है। ये एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और इसको बुक करने के चार्जेज होते हैं आपके 11 pounds। थ्योरी के अंदर तीसरा और लास्ट एग्जाम होता है आपका CPC एग्जाम। ये एग्जाम आपका सेम इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्यूटर बेस्ड होता है। इस एग्जाम के अंदर आपके 7 से 8 केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं और इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 स्कोर करना होता है। इस एग्जाम का टाइम होता है 1 घंटा 15 मिनट और इसको बुक करने के चार्जेज है 23 pounds। थ्योरी एग्जाम पास करने के बाद आपको थ्योरी और हैजर्ड पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसके बेस पर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थ्योरी एग्जाम के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। थ्योरी एग्जाम जो कि आपके मल्टीपल चॉइस, हैजर्ड और CPC तीनों आप अलग अलग इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं और ये एग्जाम आप अलग अलग डे भी दे सकते हैं। और इन एग्जाम के अंदर अगर आप किसी एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप सिर्फ उसी एग्जाम के रीसीट करके उसको दोबारा पास कर सकते हैं। जैसा आप कार लाइसेंस में किसी हैजर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको थ्योरी और हैजर्ड दोनों दोबारा देने होते हैं, लेकिन ट्रक लाइसेंस के अंदर ऐसा नहीं है। आप अगर किसी एक एग्जाम में फेल हो जाते तो आप सिर्फ ओनली एक एग्जाम दें, बाकी एग्जामों में आप पास रहते हैं। और दूसरी बात, थ्योरी एग्जाम के हर एग्जाम की, जैसे कि आपका मल्टीपल चॉइस, आपका CPC और आपका हैजर्ड एग्जाम, इन सब की वैलिडिटी 2 साल होती है। अगर आपने उस एग्जाम को आज के दिन पास किया तो आप इसके 2 साल बाद तक आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको थ्योरी एग्जाम दोबारा पास करने होते हैं। तो अब बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन की। पहले आप मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन के लिए कोई DVSA की ऐप परचेज कर ले, जिसके चार्जेज है 12 pounds। उसके बाद आप अपने हैजर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई YouTube पर वीडियो देख ले, जिससे आप आसानी से अपना हैजर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं CPC एग्जाम की। CPC एग्जाम के लिए भी आप कोई DVSA की अप्रूव्ड एप्लीकेशन खरीद ले, जिसके चार्जेज है 13 pounds। और इसके बाद अब बात करते हैं कि आप थ्योरी एग्जाम को बुक कैसे कर सकते हैं।
थ्योरी एग्जाम को बुक करने के लिए आप वीडियो को आगे देखें और इसके सारे स्टेप को फॉलो करें। ट्रक के लिए थ्योरी एग्जाम बुक करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें बुक HGV थ्योरी टेस्ट, देन gov.uk की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आप बुक के टेस्ट ऑनलाइन स्टार्ट नाउ, नो, कंटिन्यू। यहाँ आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करें, जैसे आपका नेम, लास्ट नेम, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन कंटिन्यू। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करें, कंटिन्यू। थ्योरी एग्जाम के अंदर आपके तीन एग्जाम होते हैं। LGV में आपका एक होता है मल्टीपल चॉइस, एक होता है आपका हैजार्ड और एक आपका CPC। तीनों की अलग अलग फीस होती है, एक की £26, एक की £11 और एक का £23। तो तीनों को बुक करने के लिए आपके प्रोसेस सेम है। हम आपको वीडियो में कोई एक भी बुक करके दिखा देते हैं और दूसरे एग्जाम बुक करने के लिए आपको सेम स्टेप को फॉलो करना होता है। तो पहले हम बुक करते हैं LGV मल्टीपल चॉइस। इसको सिलेक्ट करें, कंटिन्यू। इंग्लिश लैंग्वेज, कंटिन्यू। नो, कंटिन्यू। यहाँ आप अपना पोस्ट कोड, टाउन का पोस्ट कोड या कोई रीजन या कोई टेस्ट सेंटर उसको फिल करें, फाइंड ए थ्योरी टेस्ट सेंटर। आपको नज़दीक का कोई टेस्ट सेंटर दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करें। देन उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए डेट को सिलेक्ट करें, कंटिन्यू। यहाँ आपको कुछ स्लॉट मिल रहा है मॉर्निंग में, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ आप अपनी डिटेल्स चेक करें। आपने ये LGV मल्टीपल चॉइस के लिए बुक किया जिसका कॉस्ट है £26। अगर आप हैजार्ड के लिए बुक करते हैं तो उसका कॉस्ट है 11 और CPC के लिए 23। आप तीनों को अलग अलग बुक कर सकते हैं और तीनों का प्रोसेस सेम होता है। कंटिन्यू एंड पे। यहाँ आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की हेल्प से अमाउंट पे करें और अपना थ्योरी, हैजार्ड और CPC कोई भी एग्जाम बुक कर लें। थ्योरी एग्जाम की टोटल कॉस्ट की बात करें तो इस एग्जाम को बुक करने के लिए आपको सबसे पहले आपका चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका प्रोविजन लाइसेंस। उस प्रोविजन लाइसेंस के लिए आपकी कॉस्ट हो जाती है 60 से 80 पाउंड। उसके बाद आपका आता है मल्टीपल चॉइस, हैजार्ड एग्जाम और CPC एग्जाम। इन सब एग्जाम को बुक करने के आपके कॉस्ट आते हैं 60 पाउंड। देन उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन को परचेज करने का चार्जेज, जिसके अंदर आप मल्टीपल चॉइस की और CPC की दोनों एप्लीकेशन परचेज करते हैं तो उसका कॉस्ट आता है 25 पाउंड। इन सब तीनों कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो आपका 160 से 170 पाउंड के बीच आपका टोटल थ्योरी एग्जाम कवर हो जाता है, जिसके अंदर आपका एग्जाम का बुक करना, आपका मेडिकल, आपका एप्लीकेशन का खर्चा सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि ट्रक लाइसेंस के प्रैक्टिकल एग्जाम, ट्रक की जॉब्स, इनकम, इन सब के रिगार्डिंग है, उनकी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।